आपका नाम क्या है? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद जी आप बता सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिशियन किसको बोलते हैं? जी इलेक्ट्रिशियन हम उसको बोल सकते हैं जिसका उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक हो और उसके पास कोई संस्था का या फिर कहीं का सर्टिफिकेट हो इलेक्ट्रिशियन प्रमाणित, और उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का नॉलेज हो, उसे हम इलेक्ट्रिशियन बोल सकते हैं। अच्छा, जिसकी उम्र 18 साल हो या 18 साल के ऊपर हो, ऊपर हो, प्लस उसके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। चलिए ठीक है, और उसको थ्योरी प्रैक्टिकल का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक, आपको आता है ये सब? इतना जो बोले हैं आप इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर लिए हैं जी, तो जो भी अभी बोले हैं आपको नॉलेज है जी, किन किन चीज़ों का आपको नॉलेज है थोड़ा बताइएगा। हमको इलेक्ट्रिशियन में सब टूल्स वगैरह का और सेफ्टी का और जो इसमें यूज़ होता है सामग्री वो सब का, और वायरिंग का, हाउस वायरिंग का, और भी कुछ कुछ वायरिंग का जैसे टनल वायरिंग हो गया, स्टेयरकेस वायरिंग और हॉस्टल वायरिंग, गोडाउन वायरिंग, ये सब का है नॉलेज। अच्छा ठीक है, जरा आप बोले हैं शुरुआत में कि टूल्स का नॉलेज है, तो टूल्स जो आपके हैं हैंड टूल्स और पावर टूल्स के बारे में जानकारी है आपको? जी बताइएगा दोनों में अंतर क्या है। हैंड टूल्स हम उसको कहते हैं जो हम अपने अपने एनर्जी से जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने हाथ से जिससे हम काम करते हैं। अच्छा, मैकेनिकल पावर बोलते हैं। मैकेनिकल पावर्स। ठीक, जैसे दो चार उदाहरण बताइए। जैसे कि बॉल पिन हैमर और ये है प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर और फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है हमारे पास। अच्छा ठीक है, चलिए अब पावर टूल्स किसको बोल रहे हैं? पावर टूल्स जिससे जिसमें मैकेनिकल एनर्जी लगती है उसे हम पावर टूल्स बोलते हैं, जिससे हम काम कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी लगा के। तो अभी तो जो आप हैंड टूल्स बोले हैं उसमें भी आप मैकेनिकल एनर्जी ही बोले हैं, पावर टूल्स में भी मैकेनिकल एनर्जी है, तो अंतर? मतलब जो पावर टूल्स है उसमें मैकेनिकल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगेगा जी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों पावर लगता है, उसको पावर टूल्स बोलते हैं जी। आप उसको बिजली का सप्लाई दीजिएगा, प्लस आपको उससे अपने हाथों से भी थोड़ा सा पुशअप करना पड़ेगा, थोड़ा सा शक्ति आपको लगाना पड़ेगा, तो आपको मसल्स पावर भी लगाना है और इलेक्ट्रिकल पावर भी लगाना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर टूल्स। दो पावर टूल्स का नाम बताइएगा। दो पावर टूल्स का नाम ग्राइंडर और जिक्सो मशीन, जिक्सो कटर। जिक्सो कटर और ग्राइंडिंग मशीन। चलिए ठीक है, एसी और डीसी में क्या अंतर है आप बताइए? एसी और डीसी में एसी का पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट है और डीसी का डायरेक्ट करंट। अच्छा, एसी और डीसी में अंतर यही है सर कि एसी अपना समय के साथ साथ अपना मान और दिशा बदलते रहता है और डीसी नहीं बदलता है। डीसी नहीं बदलता है। नहीं बदलता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी का कुछ अंतर है इसमें? जी, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, जीरो होता है, और एसी में 50 हर्ज होता है इंडिया में फ्रीक्वेंसी। एसी में 50 हर्ज। ठीक, ट्रांसफार्मर के बारे में आपको जानकारी है? जी है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्थिर यंत्र है जो कि वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्थिर यंत्र है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर एक जगह रहेगा और उसको हम मैकेनिकल एनर्जी से चलाएंगे, मतलब मैकेनिकल एनर्जी से चलाएंगे तो बढ़ा के देगा, स्टेप अप करके भी देगा और स्टेप डाउन करके भी देगा। नहीं, यहाँ आप गलत बोल रहे हैं। ट्रांसफार्मर आपको वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन करके तो दे रहा है, ठीक है, मगर मैकेनिकल एनर्जी नहीं देते हैं उसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही दिए और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही लिए, वो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करके दे रहा है आपको। जी सर। स्थिर यंत्र का मतलब ये है उसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं है, नहीं होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं है, इसलिए उसको स्थिर यंत्र बोलते हैं, है ना। उसका मेन काम क्या है? वोल्टेज को घटा कर देना और बढ़ा कर देना, घटा कर देना या फिर बढ़ा के देना। ठीक है, तो वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से?
एमवीए और केवीए। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के? वोल्टेज के आधार पर अभी वोल्टेज जो आप बोल रहे थे वोल्टेज घटा के देगा वोल्टेज बढ़ा के देगा, तो उसका कुछ नाम होगा ना उस ट्रांसफार्मर का? हाँ, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। स्टेप अप कब बोलेंगे? स्टेप अप तब बोलेंगे जहाँ से हम बिजली दूर भेजना कहीं रहेगा तो वहाँ से स्टेप अप, जहाँ पे बनता है बिजली वहाँ से स्टेप अप में हमेशा बिजली दिया जाता है। उसमें क्या होता है स्टेप अप में? उसमें स्टेप अप में यही होता है कि वोल्टेज के साथ क्या करते हैं स्टेप अप में? वोल्टेज के साथ प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से ज़्यादा उसमें ये रहता है। क्या रहता है उसको बोलते हैं सर? टर्न्स। घुमाव है ना। प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न्स रहेगा सेकेंडरी के मुकाबले, अगर रहेगा प्राइमरी में ज़्यादा है सेकेंडरी में कम है तो कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन। अच्छा, थोड़ा सा आप हिचकिचा रहे हैं। हाँ, आराम से रिलैक्स होकर के जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक। अगर इसका उल्टा कर दें तो अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दे सेकेंडरी में ज्यादा कर दे तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा ये? स्टेप अप। ठीक, तो जो आपके लोकल में ट्रांसफार्मर लगा रहता है आपके गांव के आसपास में आपके मोहल्ले में, वो कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप की स्टेप डाउन है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस चीज में दी रहती है? केवीए और एमवीए। केवीए या फिर एमवीए। केवीए का पूरा बताइएगा, पूरा किलो वोल्ट एम्पियर और एमवीए का मेगा वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर और मेगा वोल्ट एम्पियर। तो हम लोग देखते हैं कि जो मशीन है इलेक्ट्रिकल में जो मशीन होते हैं अधिकतर चीजों का जो रेटिंग है वो वाट में ये सब में दिया रहता है, तो ट्रांसफार्मर में या कोई और मशीन का आप कैसे पता करोगे कि वो वाट में होगा या फिर केवीए में होगा? सर, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे जिस मशीन को और वो अगर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस दे रहा है तो वो उसका रेटिंग ज़्यादातर एमवीए में होगा, और जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दे रहा, मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है या फिर कुछ और दे रहा है, तो उसका हम वाट में कह सकते हैं। अच्छा, यानी कि जो मशीन आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा उसका रेटिंग किस में रहेगा? केवीए में रहेगा। और जो मशीन आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी छोड़ करके अगर दूसरा कोई एनर्जी दे रहा है जैसे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तो उसका जो रेटिंग है वो किस में रहेगा? वाट में रहेगा। यस सर। ठीक है, और जो हम लोग ट्रांसफार्मर है वो यूज कर रहे हैं अपने लोकल पे, जैसे आप बोले कोई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग क्या होता है पता है आपको? ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग होता है। यस सर। तो किस प्रकार का वाइंडिंग होता है उसमें? वाइंडिंग तो दो ही प्रकार का, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी। तो उसमें थ्री फेज का ट्रांसफार्मर है। यस सर। तो उसमें प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो उसमें जो कनेक्शन करेंगे वो किस प्रकार से होता है? डेल्टा और स्टार कनेक्शन। डेल्टा या फिर स्टार में होता है। तो जो लोकल में आपके आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है लोकल में उसका आप बता सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन सा किया हुआ है, स्टार है कि डेल्टा है? यस सर, बताइए तो जरा। उसका जो प्राइमरी रहेगा सर उसमें डेल्टा क्या हुआ रहता है और जो सेकेंडरी रहता है उसमें स्टार क्या रहता है, क्योंकि हम जब आउटपुट निकालते हैं तो उसे अर्थिंग में निकालते हैं इसीलिए उसका स्टार में क्या हुआ रहता है? न्यूट्रल पॉइंट। हाँ, न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं तो उसको स्टार में क्या रहता है? अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट आपको मिल रहा है मतलब वो स्टार में है, कनेक्शन किया हुआ है। जी सर। ठीक है, अच्छी बात है। आप जो है ये बताइए कि रोड में जो लाइट लगा हुआ है स्ट्रीट लाइट बोलते हैं उसको, उसका कनेक्शन सीरीज में होता है कि पैरेलल में होता है? पैरेलल में होता है। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे हम बताएंगे को पैरेलल में है? यस सर, बताइए। क्योंकि कभी भी जब हम रोड के रास्ते जाते हैं तो देखते हैं कि जो लाइट पड़ रहा है वो पूरा वोल्टेज के साथ पड़ रहा है, मतलब हम लोग को रोशनी प्रदान कर रहा है, तो इसीलिए हम उसको एक तरफ से पैरेलल बोल भी सकते हैं
क्योंकि बोल ही सकते हैं, क्योंकि सीरीज में अगर कनेक्शन किया हुआ रहेगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो बहुत कम वोल्टेज आएगा, उसमें से रोशनी आएगा तो हल्का हल्का जलेगा, तो नीचे तक रोशनी नहीं आ पाएगी उसकी, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर रहता है लाइट। अच्छा जी, और कोई कारण बता सकते हैं? हाँ, और पैरेलल में इस कारण भी लगाया जाता है क्योंकि कहीं भी रास्ते में कोई लाइट फूट जाता है अपने से, या फिर कोई पत्थर मार के ही फोड़ देता है, तो अगर वैसे सीरीज में क्या हुआ रहेगा तो उससे सब अथी हो जाएगा, बंद हो जाएगा सर, और पैरेलल में क्या हुआ है तो फिर एक अगर खराब हो गया या फिर फूट गया तो उससे किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए पैरेलल में करते हैं। चलिए ठीक है, इसकी तो जानकारी है आपको जी। यहाँ पे कुछ टूल्स रखे हुए हैं। यस सर। तो आप देखिए कि जो इसमें आपके टूल्स में फ्लैट स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है क्या? यस सर। दिखाइएगा जरा। ये है सर फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। ठीक, जो ये प्लायर है इसका नाम बताइएगा, पूरा नाम? कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर, इससे क्या क्या हम कर सकते हैं? इससे हम तार छील भी सकते हैं और काट भी सकते हैं और कहीं पे ज्वाइंट भी लगा सकते हैं। अच्छा ठीक। और ये जो बैटरी रखा हुआ है, कितने वोल्ट की बैटरी है ये? 9 वोल्ट की सर। 9 वोल्ट की बैटरी है? यस सर। पक्का? यस सर। इसका वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। तो इसका वोल्टेज चेक करने के लिए आप कौन सा यहाँ पे जो है मीटर इस्तेमाल करिएगा? मल्टीमीटर। मल्टीमीटर है, जरा चेक करके बताइए। कहाँ पे सेट करिएगा पहले हमें दिखाइएगा। ये किसमें लगाया है आपने? डीसी में। यस सर। है 20 वोल्ट में वाले में क्यों लगाया है आपने? क्योंकि हमें पता है सर कि इसमें 9 ही वोल्ट है। अच्छा, तो हमको पता है तो हम लगा लिए हैं, और अगर हमको नहीं पता है कि इसमें कितना वोल्ट है तो हम उसमें सबसे ऊपर वाले से स्टार्ट करेंगे ना अपना। अच्छा, यानी कि 9 वोल्ट का है इसलिए आपने 20 वोल्ट में लगाया है। चेक करिए, देखिए इसमें 9 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, 9 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। ठीक, कोई नहीं। अभी जो है इस पे अगर आपको रेसिस्टेंस नापने के लिए आता है रेसिस्टर, अगर आपको कोई रेसिस्टर दिया जाए तो उसको आप नाप सकते हैं? जी सर। तो रेसिस्टर के लिए आप लगाइए, तो किस में लगाइएगा? रेजिस्टेंस के लिए ना सर। हाँ, जैसे ये आपको दिया जा रहा है रेसिस्टर है। यस सर। तो इसका वोल्टेज नाप के बताइए, इसका क्या प्रतिरोध होगा वो नाप के बताइए। ये 2 रेसिस्टर है आपके। यस सर। तो इसका आप वैल्यू निकालिए तो कितना है मल्टीमीटर की मदद से। सेट कर दिए हैं? अच्छा, इतना 200 के पे सेट किए हैं। चलिए कितना आ रहा है, कितने ओम का है ये? ये है 9, ये सर 967 ओम का। अच्छा चलिए ठीक है, ये 1000 ओम का होगा। इसमें कुछ टॉलरेंस होता है ±5%, इसलिए ये आपको थोड़ा सा कम बता रहा है। इसका नाप के बताइए। इसका सर ये तो नहीं बता रहा है। इसमें बताएगा सर पूरा। अब नापिए। इसको हाथ से ऐसे नहीं पकड़ते हैं, हाथ से पकड़ने पे क्या होता है थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करता है। आप नीचे रखिए और तब नापिए इसको। कितना आ रहा है ये? 101 मतलब ये क्या हो गया, 101 आपका जो किलो में जा रहा है ये। ठीक है, तो ये लगभग 1,00,000 ओम का है। चलिए ठीक है, अच्छा आपको नापने का तो है जानकारी। ठीक है, थोड़ा सा बारीकी से नापना होगा आपको, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक में है, बाकी सारा कुछ ठीक है आपका। ठीक है, बाकी तो नॉलेज आपको है जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर।